ये आनंद भाई हैं जी, ये हमारे यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के जी, ये आनंद भाई हैं। इनका ताल्लुक सेरमिक से है, एक वैली है, यानी जब आप कल मंटो का वाटरफॉल जाएंगे तो इनका एक वैली आता है, तो उधर से सेरमिक, तो उनसे उधर से हैं ये। बेसिकली ये जो है म्यूजिशियंस है, ब्लाइंड होने के बावजूद ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इनकी जो है ना बेताशक वीडियोज हैं, सॉन्ग्स हैं, यानी कॉमेंट्रीज हैं और कॉमेडी के हवाले से भी। तो आज ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा आनंद भाई, यानी सब पहले पैरोडी बताए, पैरोडी करेंगे जी, यानी पॉलिटिशियंस के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक प्रोग्राम लिए हम, सियासी प्रोग्राम लिए हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग खास के सदर चौधरी शहजाद हुसैन साहब होंगे और हम सब उम्मीद से हमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमने पॉलिटिक्स लीडर चौधरी शहजाद साहब को बुलाए हैं कि वो आपसे क्या कहेंगे और क्यों हारे। पिछले मतलब 10 साल की इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो क्यों हारे और वो क्या उस वक्त क्या कर रहे थे, मतलब कितने वोटर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। जी चौधरी साहब, आप सबसे पहले आपको हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये तो ठीक किया आपने, शुक्रिया अदा किया। अच्छा क्यों हारा? पहले आप बोलते थे कि हम जीतेंगे, परवेज इलाही साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे, नहीं बन गए, क्या हुआ? मुझे क्या पता भाई, आपने तो खरीद लिया। मैं तो जीतने के लिए सोच रहा था, बहुत खुश था पूरा। आपने मुझे यकीन दिलाने के लिए आपको वोट देंगे, आपको पता नहीं था कैसे गिरेंगे, हार गए। अभी आप हारने की बात क्या सोच रहे हैं? बस क्या करें, जसलम में भी लोग बोलने नहीं देते क्योंकि मेरा आवाज भी थोड़ा शॉर्ट है। तो क्या करेगा, अमित ने मुझे उलन पे बुलाया था लेकिन उलन भी नहीं पहुंची है, बदकिस्मत मेरी है। अच्छा भैया चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिल्मी एक्ट्रेस की बारी आएंगे, शाहरुख खान कैसे बोलते हैं? उसके बाद एक्टर्स की मतलब गायकी, गाना गाने वाले एक्टर्स अमिताभ बच्चन की आवाज में गाना पेश करते हैं, वो कैसा गाते हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना।
Na tene ko zore, na kate la ti.
ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਦਾਰ ਕੋ ਤਰਸੈ ਆਖੀਆਂ ਨਾ ਤੈਨ ਕੋ ਜ਼ੋਰੈ ਨਾ ਕਟੈ ਰਾਤੀਆਂ ਜਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਜਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਅਖਬਾਰਾ ਜਾ 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 ਅਖਬਾਰਾ ਜਾ 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 ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਤਾਰੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਓ ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੇ ਅਨਜਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਦਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੇ ਅਨਜਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਇਸ ਘਰ ਕਾ ਫਰਦ ਥਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਜਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਥੀ ਜਿਨ ਕੇ ਦਮ ਸੇ ਰੌਨਕ ਸ਼ਹਿਰੋ ਮੈਂ ਜਾ ਬਸੇ ਥੀ ਜਿਨ ਕੇ ਦਮ ਸੇ ਰੌਨਕ ਸ਼ਹਿਰੋ ਮੈਂ ਜਾ ਬਸੇ ਵਰਨਾ ਹਮਾਰ ਗਾਉ ਜੋ ਵੀਰਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਅਨਜਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਜਬ ਲਿਆ ਉਸੇ ਨਾਦਾਨ ਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਜਬ ਲਿਆ ਉਸੇ ਨਾਦਾਨ ਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਬ ਛੋੜ ਗਰ ਗਿਆ ਹਮ ਨਾਦਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਮੁਆਮਲਾਤ ਸੇ ਅਨਜਾਨ ਤੋ ਨਾ ਥਾ ਰਸਮਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾ ਫਾਰੂਕ ਹਾਲ ਦਿਲ ਹੈ ਰਸਮਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾ ਫਾਰੂਕ ਹਾਲ ਦਿਲ ਕੁਛ ਸੁਮੈਂ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ